नथिंग फोन वन, दोस्तों ये वो वाला नथिंग नहीं है। हेयर नथिंग स्टैंड्स फॉर समथिंग, समथिंग स्पेशल इज अबाउट टू हैपन। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नथिंग फोन वन की। इस स्मार्टफोन की हाइप इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इंडिया के अंदर, और साथ में ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा इस फोन की हाइप बढ़ चुकी है। और बढ़ेगी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो स्मार्टफोन एक रिवोल्यूशनरी चेंज ला देगा स्मार्टफोन वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि अभी तक किसी ने ना सुने होंगे ना देखे होंगे। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, और आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ इस स्मार्टफोन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मुद्दे की बात बताना चाहूंगा। ये जो स्मार्टफोन है वो 12 जुलाई को ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। मतलब 12 जुलाई के बाद हमको इसकी एग्जैक्ट प्राइस के बारे में पता चल जाएगा कि किस प्राइस के अंदर ये इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो भूलना मत 12 जुलाई। और दोस्तों मैं बात करूँ इसके डिज़ाइन की, तो भाई साहब इसके डिज़ाइन ने तो आग लगा दी। क्योंकि इसकी डिज़ाइन इतनी ज़्यादा अमेजिंग आपको देखने को मिलने वाली है भाई साहब। कैमरे के पीछे भी आपको लाइट, कैमरा का जो सर्कल होता है ना उसमें भी लाइट, पूरी बैक बॉडी के अंदर लाइट। और ये भी पता नहीं चला बैक बोर्ड जो मेटल है किस किस एलिमेंट से बनाई गई है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा यूनिक बताई जा रही है बाकी स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। दोस्तों इसके जो बॉडी और डिजाइन है ना वो तो मैं बहुत बड़ा इसका फैन हो चुका हूं इनके डिजाइन का। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक हमारे चैनल ने किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है। पहले तो सारी ऑफिशियल वीडियोस देखो इस नथिंग स्मार्टफोन की, उसके बाद उसको बारीकी से एकदम परखो और डिटेल के अंदर एकदम झांको, उसके बाद पता चलती है एक छोटी सी स्पेसिफिकेशन के बैक के अंदर लाइट या ये सब चीज़ें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इंडिया के अंदर लॉन्च तो हो जाएगा, पर किस प्राइस में लॉन्च होता है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर ये अंडर 30,000 रुपये आता है, वो भी 8 सीरीज का प्रोसेसर या 9 सीरीज का नया प्रोसेसर, तो बहुत ही धमाका मचा देगा इंडिया के अंदर। मैं आई होप कि यार ये 30,000 से ऊपर ना आए, 30,000 के अंदर आता है तो बहुत सारे लोग इस फोन को ले पाएंगे, और जो ये सच में एक रिवोल्यूशन ला देगा इस स्मार्टफोन के वर्ल्ड के अंदर। और दोस्तों मैं बात करूँ इस स्मार्टफोन के कुछ एक यूनिक फीचर की, तो ये स्मार्टफोन के साथ आपको एक एयरबड देखने को मिलने वाली है, जो खुद एयरबड जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं यार, ये नॉर्मल एयरबड्स की तरह नॉर्मल नहीं है कि चार्ज कर लो ऐसा कर लो। इसका जो डिज़ाइन, इसका जो लुक है उसमें कुछ अलग ही अदा, कुछ अलग ही बात आपको देखने को मिल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मैंने फिर से कह दिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।